मेरा थिंकिंग ऐसा है कि क्यों जीवामी का होगा, क्योंकि ये दोनों मैंने बस कलर अलग और साइज अलग दिया। जीवामी का है यहाँ पे, हाँ जीवामी जीवामी, और ये वाला भी जीवामी, ये वाला जीवामी का नहीं, एनामोर का है ये वाला, ठीक है। ये ब्लैक, कोई लड़का अगर मुझे देख रहे हो तो प्लीज़ आप अपने गर्लफ्रेंड्स के लिए देख सकते हो मिंत्रा में, उनको सजेस्ट कर सकते हो कि मिंत्रा में ऐसे अच्छे अच्छे ब्रा मिलते हैं, आप ट्राई करके देख सकते हो। और अगर जज मत करना, मैं बता रही हूँ, ठीक है। ब्रा ही पहनने की चीज़ होती है, कोई मतलब कोई इसमें कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कुछ भी नहीं है। इतना ब्रा दिखा रही है, कैसी लड़की है, आई डोंट नो, आई हैव दिस फियर कि लोग जज करेंगे एंड ऑल। ऐसा नहीं है, ब्रा को इतना इंपॉर्टेंस मत दो, वो जस्ट एक पहनने की कपड़ा ही है, जस्ट पहनने का एक कपड़ा है, इतना ऐसा मत करो, ठीक है। हम करते हैं ना एक्चुअली वो क्रिटिकल थिंकिंग, क्रिटिकल कॉन्शियसनेस। मैं आपको, मेरे को ना आप लोगों से बहुत सारी बातें डिस्कस करनी है, अगर मैं एक पे पर टाइम नहीं मिल रहा, लेकिन मेरे को बैठ के वो सारी बातें आप सबसे शेयर करनी है, कैसा होता है, क्या नहीं होता है, क्या मतलब मैजिकल कॉन्शियसनेस कैसे होता है, मैजिकल जो नाइफ क्या होते हैं, नाइफ से क्रिटिकल कैसे होता है, क्रिटिकल थिंकिंग में कैसे आ सकते हो, ठीक है। वो सब मुझे आप सबको थोड़ा थोड़ा बताना है, क्योंकि मेरा जो ब्रेन है अभी, तो मैजिकल में क्या होता है, मैजिकल कॉन्शियसनेस में आपका क्या होता है कि आप फेथ पे ज़्यादा बिलीव करते हो, सुपरस्टिशंस पे ज़्यादा बिलीव करते हो, ओल्ड बातों पे ज़्यादा बिलीव करते हो, ठीक है। जैसे कि फॉर एग्जांपल ये वाला हो गया, ब्रा दिखा रही है, और अब नाइफ में होगी तो नाइफ ऐसा है कि मतलब मतलब जब नाइफ मतलब मैजिकल होंगे तो मैजिकल में आप ऐसा सोचोगे कि मतलब फेथ नहीं ना, सुपरस्टिशन, जैसे मेंस को लेके, मेंस्ट्रुएशन को लेके आपको सुपरस्टिशन वगैरह होता है एंड ऑल। फिर कुछ कुछ होता है ना कि मंगलवार को आप नॉनवेज नहीं खा सकते एंड ऑल, ये सब फेथ में हम बिलीव करते हैं कि भाई डर 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 होता है। मैजिकल कॉन्शियसनेस में ज़्यादातर क्या होता है, हमें डर लगता है। एक ही जगह पे बैठ के बात कर रही हूँ मैं, बिकॉज बहुत थकी हुई हूँ, थोड़ा सा आप सह लेना, थोड़ा सा सुन लेना अगर सुन रहे हो तो। वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक्स है ये सब, अगर अच्छा लगे तो। एनीवे, तो उसके बाद मैं क्या कह रही थी, मैं नाइफ में होता है कि आप ब्लेम करते हो दूसरों को। फॉर एग्जांपल हम प्राइम मिनिस्टर को ब्लेम करते हैं, हम गवर्नमेंट को ब्लेम करते हैं, हम इसको ब्लेम करते हैं, उसको ब्लेम करते हैं, इसके लिए ऐसा हुआ, उसके लिए ऐसा हुआ, हम करते रहते हैं। नाइफ कॉन्शियसनेस मतलब हम अपना गलती देखते ही नहीं है, ठीक है। क्रिटिकल कॉन्शियसनेस में आप क्वेश्चन करते हो, अगर मैं ब्रा दिखा रही हूँ उसमें क्या गलत है, व्हाट्स रॉन्ग इन दैट, ठीक है। अगर आप मैजिकल कॉन्शियसनेस में हो तो आप ऐसा सोचिए कैसे लड़की है ब्रा दिखा रही है, लेकिन ब्रा को इतना इंपॉर्टेंस की जरूरत, पहनने का कपड़ा ये बस नॉर्मल, बस एक नॉर्मल पहनने का कपड़ा है। आप एक बॉडी के पार्ट को आप प्रोटेक्टेड रख रहे हो, अच्छा रख रहे हो, वो तो आपको पहनना ही, बॉडी स्ट्रक्चर है, मेल फीमेल, ट्रांसजेंडर, वट एवर, दैट्स नॉर्मल, इट्स वेरी नॉर्मल, राइट। आई थिंक देर इज़ नथिंग रॉन्ग टू टॉक अबाउट उसके बारे में। जैसे कि टीवी में पैड्स का एड दिखाता है, लेकिन आप खरीदते जाओ पैड्स तो आपको प्लास्टिक में, काला प्लास्टिक में नहीं तो पेपर में टाई करके देगा, क्यों? तो हम जब क्यों क्वेश्चन करते हैं, क्यों हम ब्रा को नहीं वो कर सकते, क्यों हम ब्रा को ऐसे टांग के नहीं रख सकते खुले में, जस्ट पहनने का कपड़ा ही है वो, कुछ अलग एक्स्ट्रा उसमें है ही नहीं, ठीक है। तो ये ऐसी मेरी थिंकिंग है, तो आई एम इन अ क्रिटिकल कॉन्शियसनेस, मेरा वो थर्ड स्टेज पहुंच गया। तो जैसे कि हाँ, पीरियड्स का पैड का बात करी, तो पैड ढक के क्यों दिया जाता है। एक बार मैं दुकान में गई इधर ढालीगांव बाजार में, तो मैंने को पूछा, मेरे को मैंने बोला पैड ही क्या, तो मेरी पैड पैकेट पैड लेकर आई। उसके बाद मैंने बोला सॉरी पैसा दिया, तो बोले कि पेपर में दे देते हैं हम पैक करके। हम बोला नहीं, गन थोड़ी ना है कि मैं पेपर में पैक करके ले जाऊँ, पैड है भाई, मतलब आप ओपनली एडवर्टाइज कर सकते हो, टीवी में ओपनली एड दिखाता है तो सब देखते हैं, पापा मम्मी भाई बहन सब कोई देखते हैं, राइट। तो उसमें सबको पता भी है कि ये किस काम के लिए यूज़ होता है, पैड पीरियड्स में आप ब्लड को ऑब्जर्व करने के लिए पहनते हो, लड़कियां पहनती हैं, जिनको ब्लीडिंग होती है वो पहनते हैं, इसमें इतनी एबनॉर्मल वाली बात कुछ है ही नहीं। तो जैसे कि मैं सोच रही हूँ कि ये अबनॉर्मल वाली बात कोई है ही नहीं, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अटेंशन देने वाली बात है ही नहीं, तो मतलब मैं क्रिटिकल कॉन्शियसनेस में हूँ। अब जो लोग मेरे को सुन रहे हैं, अगर वो लोग ये सोच रहे हैं कि हाँ सही है, अगर पीरियड्स हो रहा है तो ये तो नॉर्मल है, सबको होता है, सब लड़की हर लड़की को होता है, अगर नहीं हो रहा है तब क्वेश्चन करने का तब प्रॉब्लम है, अगर नहीं हो रहा है किसी को तब प्रॉब्लम है, इसका मतलब उनको फिजिकली कुछ प्रॉब्लम है,
इंटरनल प्रॉब्लम है तब क्वेश्चन करो कि क्यों नहीं हो रहा है, क्या प्रॉब्लम है, डॉक्टर को दिखा। तो वैसा होना चाहिए थिंकिंग एंड ऑल, मतलब मेरे हिसाब से, ठीक है। मैं ये नहीं कह रही कि एक दिन में अपना थिंकिंग बदल दूँ, लेकिन मुझे ये लगता है, जैसे कि हमें सोशल वर्क में सिखाया जाता है कि आपको क्वेश्चन करना चाहिए हमेशा, लाइक क्यों हो रहा है, व्हाट इज़ द रीज़न, कि क्या ऐसा नहीं हो रहा है। तो जब पीरियड्स का जब हम लोग पैड लाते हैं, क्यों उसको काले प्लास्टिक में बांध के दिया जाता है, क्यों? तो दिस आर द थिंग्स। और मैं भी अभी भी हर एक टॉपिक को डिस्कसिंग के लिए, मैं खुद भी इतना ज़्यादा कॉन्फिडेंट नहीं हूँ ब्लॉग में डिस्कस करने के लिए, क्योंकि आई नो मैनी पीपल लिसन टू मी, एंड पता नहीं किसको कौन सा बात अच्छा लगेगा, किसको कौन सा बात बुरा लगेगा। तो मैं हमेशा ये सोच के ना, मतलब थोड़ा सा वो हो जाती हूँ, मैं खुद भी कॉन्शियस हो जाती हूँ मैं हर बात डिस्कस करना। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर मैं ये बोलूँ कि मतलब कॉन्डम, फॉर एग्जांपल पीपल डोंट टॉक अबाउट कॉन्डम, पीपल डोंट टॉक अबाउट सेक्स ओपनली, पीपल डोंट टॉक अबाउट पीरियड्स ओपनली, पीपल डोंट टॉक अबाउट पैड्स ओपनली, पीपल डोंट टॉक अबाउट ब्रा ओपनली, मतलब जस्ट गिविंग एग्जांपल। तो मेरा थिंकिंग ऐसा है कि क्यों नहीं बात करती उसके बारे में। हम डोमेस्टिक वायलेंस तो देखते हैं, अगर सपोज जैसे कि PDA फॉर एग्जांपल, ऐसा होता है ना कि कोई लड़का लड़की अगर हाथ पकड़ के घूम रहा है, अगर हस्बैंड वाइफ हाथ पकड़ के घूम रहे हैं, फिर उसको कुछ होता है, तो वो सब को हम ऐसा लगता है कि कैसा है, मतलब जज करते हैं, राइट। अगर कोई हस्बैंड वाइफ को रस्ते पे पीट रहा हो, फिर कोई झगड़ा कर रहा हो, तो हम ये बोलेंगे कि दैट्स देयर मैटर, ये उनका पर्सनल प्रॉब्लम, हम क्यों बीच में बोले। लेकिन वही अगर हस्बैंड वाइफ रस्ते में अगर कुछ मतलब यू नो थोड़ा सा वो कर रहे हैं, रोमांस कर रहे हैं, फिर कुछ भी मतलब अच्छा सा फील कर रहे हैं, बात कर रहे हैं अच्छे से, हाथ पकड़ के जा रहे हैं, तो हम बोलते हैं कि देख देख मतलब ऐसा है। तो दिस आर द थिंग, व्हाई कांट समबडी होल्ड देयर पार्टनर्स हैंड रस्ते में, क्यों क्यों नहीं पकड़ सकते। फिर ये सब बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारे क्वेश्चन आप कर सकते हो। इसी तरह जब हम क्वेश्चन करते हैं तो हम क्रिटिकल कॉन्शियसनेस में होते हैं, इसका मतलब आपके दिमाग में वो किसी को ब्लेम करना या फिर मतलब फेथ सुपरस्टिशन ये सब नहीं होता है, ठीक है। जैसे कि मेंस्ट्रुएशन में ऐसा होता है कि सुपरस्टिशन है तो मान दें कि मेंस होगा तो मेरा पीरियड्स होगा, तो आप ये वो टच करोगे, भगवान को पूजा नहीं करोगे। भगवान को पूजा करने वाला पार्ट मेरे में भी है अभी तक, मेरे को भी बहुत कुछ है ऐसा कि जब जो मुझे मैजिकल कॉन्शियसनेस से क्रिटिकल कॉन्शियसनेस में लाना है फॉर एग्जांपल, लेकिन आई एम ऑल्सो ट्राइंग माय बेस्ट। लेकिन मेरे दिमाग में जितना भी था मतलब मैंने शेयर किया, बस शेयर किया। हाँ गाइज, ऐसा नहीं कि आपको मेरे को जज करना है फिर ऐसा कुछ करना है, क्योंकि आप अगर सोशल साइंसेज बैकग्राउंड में से हो ना, तो आप ये सब बात सुनोगे, मतलब कहीं ना कहीं आप ये सब बात आपको पता होगा। लेकिन जो लोग मतलब सपोज नहीं जानते हो, जो लोग मेरे को सोचोगे तो आई एम मे बी यू गाइज माइट जज मी, समबडी माइट जज मी। मुझे इस बात का बहुत डर है कि कोई मुझे जज करेगा, क्या सुनाएगा, कोई मुझे क्या सोचेगा, मुझे इस बात का डर है, इसलिए मैं बहुत सारी बातें ऐसे ओपनली बताती नहीं हूँ, ठीक है। तो वही बात है, क्योंकि एक बार हुआ था कि मैं फेसबुक में ट्रोल हो गई थी जस्ट बिकॉज मैंने एक पोस्ट शेयर किया था, तो डर एक बैठ जाता है, ठीक है, क्योंकि मेरे में अभी भी वो ताकत नहीं है कि मैं सह सकूँ। तो अगर आप क्वेश्चन करते हो तो आपको क्रिटिक भी सहना पड़ेगा, आपको क्रिटिसिज्म भी सहना पड़ेगा, तो वो बात अभी मेरे को थोड़ा सा डर लगता है। तो उस बात से मैं इसलिए बहुत सारी बातें से शेयर करती नहीं हूँ, लेकिन शेयर करने को बहुत मैंने व्लॉग लंबा हो जा रहा है क्योंकि डिस्कशन थोड़ा लंबा है। अब से मैं हमेशा ट्राई करूँगी कि थोड़ा थोड़ा करके मैं आपको ये सारी बातें थोड़ा करके शेयर करूँ, क्योंकि अगर मैं इस बारे में डिस्कस ना करूँ ना व्लॉग्स में, तो ऐसा लगेगा कि मैं अपने आप का रियल अंकिता हल्दर जो है एज अ सोशल वर्कर या फिर एक सोशल साइंस बैकग्राउंड की स्टूडेंट, मतलब जो मेरी थिंकिंग है, मेरे को आप असली में जानते नहीं हो। अगर मैंने ये सब बातें शेयर नहीं किया कभी व्लॉग में, तो आप इसका मतलब ये है कि मैंने खुद का रियल फेस को नहीं दिखाया, मैं जो हूँ रियल में, जो मैं सोचती हूँ रियल में। व्लॉग में सिर्फ हमेशा हाँ ही करते रहती हूँ, लेकिन ये सब बातें मैं बहुत ज़्यादा मेरे लिए मतलब वो है, मैं करती हूँ। तो या ऑल दिस एंड आई होप कि आप सबको ये वाला डिस्कशन थोड़ा सा अच्छा लगा होगा, ओपन माइंडेड एक क्रिटिकल माइंडफुलनेस का डिस्कशन था। तो जिसको अच्छा लगा हिट द लाइक बटन, एंड जिसको अच्छा नहीं लगा यू हैव नो राइट टू क्वेश्चन मी, लाइक मे बी यू डोंट हैव द राइट टू जज मी, बिकॉज वो आपका थिंकिंग है और ये मेरा थिंकिंग है। तो क्या पता नहीं, मैं शायद कुछ गलत भी बोल रही हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि ये बात सही है, हमें ओपनली
इन सब बातों के बारे में जिससे आप डिस्कस कर सकते हो, करना चाहिए। किसको क्रिटिसाइज़ नहीं करना चाहिए, जिसको स्टिग्माटाइज नहीं करना चाहिए, लाइक पीरियड्स को, ब्रा को, ये को, मतलब इसको ओपनली आप बात करोगे तो इसमें कुछ गलत नहीं है, ठीक है। लेकिन किस लेवल पे कर रहे हो, अगर कोई क्लास 10 का बच्चा सेक्स के बारे में बात कर रहा है वो गलत है। कोई एडल्ट, फॉर एग्जांपल कोई एडल्ट जिसको समझ है, जिसको प्रॉपर नॉलेज है, ठीक है, बायोलॉजी के बारे में, लाइक फॉर एग्जांपल स्कूल में ना हम लोग को रिप्रोडक्शन जो चैप्टर होता था वो स्किप कर दिया जाता था, फिर उसको अच्छे से मतलब पिक्चर नहीं दिखाया जाता था उसके बारे में, सेक्स एजुकेशन या दैट नेटफ्लिक्स सीरीज, यस, तो वो सब के बारे में जिस मतलब बताते नहीं है ना लोग, तो वही बात है। आई वॉन्ट टू बी लिटिल बिट मोर ओपन माइंडफुल अबाउट इट, सो मैं चाहती हूँ कि आप सब भी माइंडफुल रहे इस बारे में, यस, तो थोड़ा सा माइंडफुल हो जाइए, एंड मैं भी थोड़ा और ट्राई करूँगी माइंडफुल और होने के लिए और थोड़ा क्रिटिकली सोचने के लिए। तो मैं आप सब थोड़ा थोड़ा करके एक एक टॉपिक लेके आज, जैसे कि ब्रा और ये सब के बारे में मैंने बात की कि क्यों एक ब्रा दिखने से आप ब्रा हाइड करके हम सुखाते हैं, ब्रा हम रूम में सुखाते हैं, ब्रा के बारे में बात नहीं करते, तो यही बात है। तो यस, एक बात बताऊँ, ऑनेस्टली जब मेरे बैकग्राउंड में ऐसे ब्रा होती है ना तो मैं सोचती हूँ कि अरे यार फिर से दिख रहा है, मतलब तो मैं पहले हाइड करने की कोशिश करती थी। फिर एक दिन मैं अपने एक फ्रेंड से बात कर रही थी, मैं बोला पता है यार मेरे ब्लॉग में ना ऐसे दिख जाता है तो क्या करूँ, मतलब हमेशा कोई ना कोई होता है, मेरे घर पर ऐसे कपड़े रखने का जगह नहीं होता तो होता है ऐसे, ठीक है। तो लाइक उसने मेरे को बताया कि क्या तू क्यों इतनी सोच रही है, ब्रा ही तो है, कॉमन है, मतलब सब पहनते हैं, सबको पता है कि घर पर होता है ये चीज़, ब्रा पेंटी सब पहनते हैं। और जब मैं वहाँ ट्रेनिंग में गई थी ना गुवाहाटी में, तब भी ये सब सिखाया ना कि, तब मेरे को लगा हाँ सही है, मतलब क्या है, मतलब बहुत स्ट्रॉन्ग इन दैट। तब से मैंने ऐसा किया, अगर बैकग्राउंड में दिख भी रहा है तो मेरे को इतना फ़र्क नहीं पड़ता, क्यों इतना अटेंशन देना, मतलब कपड़ा ही है सूख रहे तो क्या है, मतलब पहले मैं भी ऐसी थिंकिंग की थी, अब धीरे धीरे हो रहा है कि मैं मैजिकल कॉन्शियसनेस से, मतलब थोड़ा मैं क्रिटिकल कॉन्शियसनेस में आ रही हूँ। ओके, बहुत बहुत बात कर लिया, बहुत ज़्यादा बात, 8 मिनट्स और 4 मिनट्स एंड आफ्टर दैट उसका ब्लॉग पता नहीं लंबा जाएगा, एंड आई विल सी यू नेक्स्ट ब्लॉग, टिल देन टेक केयर, बाय बाय। अभी बोलते रही तो बोलती ही रह जाऊँगी शायद, तो इसलिए मैं थोड़ा सा नहीं बोलूँगी, चलती हूँ मैं क्योंकि डिनर वगैरह करके फिर सोना भी है, ब्लॉग एडिट भी करना है और अनुपमा देखना है, अनुपमा देखना है यार, अनुपमा बहुत अच्छा है यार, मैं प्रमोशन कर रही हूँ, अनुपमा अच्छा लगा मुझे, अच्छा लगता है मुझे, जितना क्रिटिक है कि मतलब शादी के बाद भी है नॉट, यू नो ब्रॉक ब्रेकअप के बाद, मतलब डिवोर्स के बाद आप कुछ भी कर सकते हैं, इंडिपेंडेंट बन सकते हैं नॉट, एंड आई सी यू माय नेक्स्ट ब्लॉग। आज बहुत सारा बात किया, बहुत दिनों बाद आज मैंने ब्लॉग में बात की, कोई भी बात अगर बुरा लगा तो उसके लिए आई एम वेरी वेरी सॉरी, कोई भी बात अगर आपको हर्ट हुई तो आई एम वेरी 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 सॉरी, मैं पहले से माफ़ी मांगती हूँ। और मैं फिर से दोबारा ये बात कहती हूँ कि ये मेरा थिंकिंग है और आई एम माइंडफुल अबाउट इट, आप भी थोड़ा माइंडफुल हो जाइए ना, और मेरे को जज मत करना, बार बार कह रही हूँ, बट यू हैव द राइट, अगर आपको पसंद आ रहा है डिस्कशन तो आप सुनो, नहीं पसंद आ रहा है तो मत सुनो, लेकिन जज करने का वो नहीं है, क्रिटिक करो लेकिन क्रिटिसिज्म मत करो, क्रिटिक करो लेकिन क्रिटिसिज्म मत करो, ठीक है, दोनों में डिफरेंस है। एंड देखते हैं रिस्पॉन्ड इस ब्लॉग के बाद क्या रिस्पॉन्ड आता है, क्या कमेंट आता है नीचे, आई विल वेट फॉर द कमेंट्स, अगर देखेंगे कितना रिस्पॉन्ड क्या होता है, डाउडी वाला भी एक डालेंगे ना, देखेंगे। तो एक एक करके एक टॉपिक डिस्कशन करेंगे, अगर मैंने इस प्लेटफॉर्म को इस टॉपिक को डिस्कस यूज़ नहीं किया तो इसका मतलब मैंने जिंदगी में कुछ नहीं किया। एनीवे गाइस, आई विल सी यू इन नेक्स्ट ब्लॉग, टिल देन टेक केयर, बाय बाय, एंड आई होप कि आपको ये डिस्कशन अच्छा लगा, और अच्छा लगे तो प्लीज़ लिखना कि नेक्स्ट टाइम और भी कुछ ऐसा क्रिटिकल डिस्कशन करेंगे हम। ओके बाय गाइस, बाय।